लेकिन हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा मामले का खुलासा। सीधी कांड पर बोले बीजेपी के विधायक केदार शुक्ला, ब्राह्मण समाज हमसे नाराज नहीं। सांसद दीपक बैज को कांग्रेस की कमान अब मिल चुकी है, मोहन मरकाम की छुट्टी हो गई है। काफी दिनों से मोहन मरकाम को हटाने की चर्चाएं भी चल रही थी। सांसद दीपक बैज को अब कांग्रेस की कमान सौंपी जा चुकी है। युवा चेहरा है छत्तीसगढ़, कांग्रेस की कमान सौंपा जाना बहुत बड़ी बात। जन्मदिन से पहले दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष की कमान मिल चुकी है। 14 जुलाई को दीपक बैज का जन्मदिन है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से बड़ी सौगात उन्हें कह सकते हैं, पीसीसी चीफ के तौर पर जिम्मेदारी। सांसद तो है ही, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की उम्मीद भी आला नेता कर रहे होंगे निश्चित ही। देखना होगा कि पार्टी में आगे किस तरह का बदलाव होता है। सांसद दीपक बैज जिन्हें अब कांग्रेस की कमान मिली है, पीसीसी चीफ के तौर पर अब वो काम करेंगे। मोहन मरकाम पद से हटाए गए लेकिन उनके योगदानों को भी सराहा है पार्टी ने। ये जो लेटर जारी हुआ है उसके जरिए कहीं ना कहीं सूचना। और ये साथ ही आप तस्वीरें देखिए, पटाखे फूटने शुरू हो चुके हैं, जश्न मनाया जा रहा है। जितने भी इनके समर्थक हैं उनके बीच अब खुशी का माहौल। पीसीसी चीफ के तौर पर सांसद दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस को अब लीड कर रहे हैं। पटाखे फोड़े जा रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। सांसद दीपक बैज अब पीसीसी के तौर पर काम करने वाले हैं। किस तरीके से जो है वो पटाखे फूट रहे हैं। बस्तर के जो सांसद है दीपक बैज, उनको पीसीसी की कमान दे दी, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं। और उसके बाद में आप उनके बंगले में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे। यहाँ पर किस तरीके से पटाखे फोड़कर जो है वो उत्सव मनाया जा रहा है। उनकी पत्नी जो है वो पूनम बैज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह, सबसे पहले बधाई आपको और क्या सोच? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब मेरे पति सांसद को इतने बड़े जिम्मेदारी दिए, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से बनाया गया, और इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। जी। अच्छा, बहुत पहले ये डिसीजन, ये माना जा रहा था कि डिसीजन तो हो गया है लेकिन रुका हुआ था। आप लोगों को भी कुछ जानकारी थी इसकी पहले से? जी जानकारी बीच में चला था, उसके बाद बंद हो गया था, उसके बाद जानकारी नहीं थी। जी तो मायूस हो गए थे क्या थोड़े? नहीं, क्यों मायूस होंगे भाई, नहीं हुए थे मायूस। अभी अचानक से डिसीजन आया, आप लोग कुछ अंदाजा था कि फिर अभी आ जाएगा करके? जी उतना अंदाजा जो नहीं था, मेरे मिस्टर बोले कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अभी मीटिंग होने वाला है, ऐसा करके बताए। ओके जी। आपको बताया था कि प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताए थे। जी कोई अंदाजा नहीं था आपको? नहीं कोई। अभी बधाइयाँ शुरू हो गई, अभी बधाइयाँ शुरू हो गई होंगी। जी अभी मेरे मिस्टर को पता नहीं है, वो फ्लाइट में है अभी। फ्लाइट में नहीं है? जी वो 8 बजे के फ्लाइट में गए, उसके बाद ही मतलब आदेश आया। तो आपकी कोई बात हुई है क्या उनसे? नहीं हुई है बात अभी। और जो मौजूद है यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद, उनसे बात करते हैं, कैसा क्या महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा आदरणीय सांसद दीपक बैज जी को प्रदेश का मान सौंपा गया है। निश्चित रूप से युवाओं में हर्षोल्लास का माहौल है और मिशन 2023 के लिए एक अच्छा मैसेज दिया गया है। निश्चित रूप से 2023 में फिर से भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनेगी। देखिए, युवा सांसद हैं, युवा सांसद हैं, बस्तर से आते हैं, और एक नौजवान आदिवासी युवा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी ऊर्जा और जोश के साथ माननीय दीपक बैज जी प्रदेश का दौरा करेंगे और नौजवानों में अलग ऊर्जा भरेंगे और मिशन 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बस्तर की आवाज को बेहतर तरीके से उठाते थे सदन में, छत्तीसगढ़ की आवाज को बेहतर तरीके से उठाते थे, और अब बने हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो युवाओं में क्रांति का संचार होगा और 2023 में कांग्रेस 75 सीटों के पार करेगी। हाँ, हम बहुत खुश हैं, उनको पोस्ट मिली है। तो पता था, कुछ अंदाजा था? नो, हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम लोग हैदराबाद में रहते, अभी होम सिक मिली थी तो आए हैं, तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। कोई आइडिया नहीं थी जी? नहीं, बीच में चल रहा था ना ऐसा बीच में? या एक्चुअली उसका नाम तो हम सुने थे बट वी आर नॉट कंफर्म कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कब सुना था? मतलब कुछ दिन पहले से, जब प्रियंका गांधी आई थी उस समय।
नो उस टाइम नहीं, उसके बाद जब सैलजा मैम आई थी उस टाइम सुने थे। ये है उनकी जो पत्नी है पूनम बैज, उनका कहना था कि बीच में जब नाम आया था लेकिन उसके बाद में नहीं आया था, हालांकि उनका कहना कि जरा भी अंदाजा नहीं था। और दीपक बैज जो है वो दिल्ली मीटिंग के लिए गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजिया, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। सही, ममता हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका हम रुक कर लेते हैं। ममता, परिजन ये कह रहे थे कि फ्लाइट में थे दीपक बैज, उनको पता नहीं चल पाया था कि उनको पद मिला है।